नमस्ते दोस्तों, मैं देवाशीष और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बीट। आज बात करेंगे लवली इनू के रिगार्डिंग। लवली इनू ने बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था दो दिन पहले, अभी थोड़ा सा शांत होकर बैठा है। तो बहुत सब्सक्राइबर ने मेरे को पूछा कि सर होल्ड करे या सेल करे, और डीप में जाए तो बाय करे। तो देखिए, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप लोग खरीद ले या फिर सेल करें या फिर होल्ड करें। लेकिन आप लोग को एक चीज़ समझना होगा जो मार्केट में बैकएंड में क्या चल रहा है लवली इनू का। आप लोगों को टेलीग्राम में और एडमिन से बात करते रहे, और एडमिन से जो आप लोग को मिलेगा इन्फॉर्मेशन वही आप लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन समझ के देख लेना है। और तीसरा जो बात है लवली इनू का एक साल एंड तक $1 जाने का जो वो एम रखा है, तो आप लोगों को टाइम कितना बचे है। तो आप लोग चाहे तो 2 महीना रुक सकते हैं। मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग होल्ड करें या सेल करें, लेकिन मैं एज ए इन्वेस्टर मैं बोलूंगा, मैं तो इस साल के एंड तक की या फिर जनवरी की 2022 तक मैं वेट करूंगा, क्योंकि उसको भी टाइम देना होगा। वो लोग बैंक एंड में बहुत ही काम कर रहा है और बैक टू बैक लिस्टिंग कर रहा है। और दो दिन से जो लवली इनू का ग्राफ बन रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है बैक एंड में लवली इनू का। तो चलिए एक बार बीट मार्ट में देख लेते हैं ऑन आवर चार्ट में कि क्या चल रहा है प्राइस उसका। फ्रेंड्स, में आ गया बीट मार्ट में, लवली यूएसडी पेयर में ओपन करके रखा हूँ, एक घंटा की चार्ट ले लिया है। तो उसमें देखिए, दो दिन से मतलब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एक बार एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप लोग को ये समझना होगा कि एक ही रेंज में जब ट्रेड होता है तो एक कभी भी ब्लास्ट कर सकता है, मतलब कभी भी आगे भाग सकता है। तो आप लोगों को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि लवली इनू का जो बैक टू बैक लिस्टिंग और लास्ट में उसका एक्सचेंज लियाना और बाइनेंस अभी पेंडिंग है, बाइनेंस लिस्टिंग पेंडिंग है। तो लवली इनू का जो एम है, तो वो लोग तो जी जान लगा रहा है कि लेकिन हम लोग को भी सपोर्ट करना होगा। ऐसे छोटा छोटा प्रॉफिट के लिए अगर निकल जाना है तो भाई इन्वेस्ट मत करो लवली इनू में। और जो मेन बात है, हम लोग क्या चाहते हैं, अगर 1 रुपया भी चला जाए लवली इनू का तो एक एक भाई पेयर बन जाएगा। तो सोच ही सकते हैं आप लोग कितना होल्ड करके बैठा हुआ है सब। तो मैं तो चाहूँगा सभी होल्ड करें इस साल के एंड तक, इसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई एडवाइज़र तो नहीं हूँ, आपका पैसा है, आपका इन्वेस्ट किया है, आपने सोच समझ के इन्वेस्ट किया है, तो थोड़ा सा रिसर्च करके एग्जीक्यूट करना या फिर होल्ड करने के लॉन्ग टर्म सोचना, ठीक है। और तीसरा जो बात है, एक बार कॉइन मार्केट कैप में भी देख लेते हैं कि लवली इनू का क्या अभी ओवरऑल सिनेरियो है रहा। मैं आ गया कॉइन मार्केट कैप में, उसमें लवली इनू का मैंने ओपन करके रखा हूँ, जिसे रैंक देखिए 3107 रैंक कर रहा है, और वॉच लिस्ट 16,500 पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक बात आप लोगों को समझना होगा कि ये अभी डीप में नहीं है, मतलब 47 की सीरीज में चल रहा है, 48 के सीरीज में चल रहा है, कभी भी ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका मेजर लिस्टिंग अभी पेंडिंग है। तो ये कॉइन मार्केट कैप में और एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, अच्छा उसका 24 आवर्स में ज़्यादा गिरावट नहीं है, 3.4% उसका गिरावट है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम में 33%। हाँ, ट्रेडिंग वॉल्यूम तो यही तो बोल रहा हूँ कि सब निकल रहा है, लेकिन इसका टाइम देना चाहिए, इस साल के एंड तक सबको टाइम देना चाहिए। तो फिर भी आप लोग का मर्जी, में तो कोई आप लोगों को रोकने वाला नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि चाहे तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं। रैंक भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया 3107, पहले तो मैं जब वीडियो बना रहा था 27 में आ गया था, 2700 में आ गया था, तो अभी रैंक इंक्रीज़ हो गया। लवली इनू का अभी जो सिनारियो है वो स्टेबल मूड में है। मैं एज ए इन्वेस्टर मैं अभी होल्ड करूँगा 2021 की एंड तक। आप लोग का मर्जी, आप लोग होल्ड कर सकते, आप लोग चाहे तो सेल कर सकते, मैं आप लोगों को कोई रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। और टेलीग्राम में एक बार देख लेते हैं कि एडमिन ने क्या कुछ डाला कि नहीं है। मैं आ गया लवली इनू का टेलीग्राम चैनल में,
और आप देख ही सकते हैं कि लवली इनू का टीम ने, एडमिन ने, दो दिन का छुट्टी लिया है, फेस्टिवल ऑफर चल रहा है सबका, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी दो दिन के लिए रेस्ट है, सभी आप लोग भी रेस्ट करिए। मे स्टार्टिंग 1 नवंबर टिल 2 नवंबर, मतलब दो दिन 1 नवंबर 2 नवंबर वो लोग छुट्टी मना रहा है, तो सभी का बनता है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो सभी का छुट्टी बनता है, तो वो लोग भी लिया तो बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था ओवरव्यू लवली इनू का, तो आप लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, या सोच समझ के ट्रेड करिए, या सोच समझ के कोई फिनेंशियल ट्रांजेक्शन करिए, मैं कोई रिकमेंड नहीं करता। तो ये था ओवरव्यू, और नेक्स्ट में अगर कुछ आता है इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को ज़रूर शेयर कर दिया जाएगा वीडियो के थ्रू। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।